के नेहरू नगर में रहने वाले भाई बहन के बीच चल रहा जमीनी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ पीड़िता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पीएससी की तैयारी कर रही अपनी बेटी का नाम एफआईआर से काटने की मांग की है, तो दूसरे पक्ष ने भी मारपीट का वीडियो वायरल किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की शिकायत पर काउंटर मामला दर्ज किया गया है। दर्ज मामले की नोटिस तामील कराने के लिए महिला पुलिस के साथ समान थाने का पुलिस बल पहुंचा था। महिला के द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं। दरअसल अर्चना पटेल अपने पिता के घर में रह रही हैं, जहां उनके भाई भौजाई के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। वहीं बताया जाता है कि पिता ने वसीयत में भी बेटी को कोई हिस्सा नहीं दिया है, सिर्फ बेटों के नाम किया है, लेकिन बेटी जबरदस्ती घर में रह रही है, जिसके चलते आए दिन विवाद होता है और मारपीट की घटना घटित होती है। हालांकि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें अर्चना का भाई, उनकी पत्नी और एक बेटी दिख रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से अर्चना और उनकी बेटी सामने हैं, जिनके बीच जमकर मारपीट हो रही है। हुई मारपीट का जो वीडियो सामने आया है उससे ऐसा लग रहा है कि प्रायोजित ढंग से मारपीट की गई और वीडियो बनाया गया है। आइए पहले आपको दिखाते हैं उक्त वीडियो, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि जमीनी विवाद किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं और कभी भी गंभीर वारदात हो सकती है। फिर सुनाएंगे उक्त मामले में थाना प्रभारी सुनील गुप्ता का क्या कहना है। चलो मेरा मंगलसूत्र तोड़ दिया, मेरा मंगलसूत्र तोड़ दिया, सब टूटी, सब लग गई हुआ हमारे घर में, तो लपट जाए मारे, हां घर आए थे हमारे, तो चम है तोरे 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 का, जब जाई तब दोषी है अपन के तरफ, हमारे घर ही है जबरदस्ती अतिक्रमण अतिक्रमण करे तोरे घर में, सब तक कही आए तो रोक है कुछ लगा तक कही आए तो रोक है, अतिक्रमण हो गया था तोरे तो रुपया छत्तीस फतार करे तब तोरे रुपया नहीं आए, धंधा करे में रुपया नहीं है तोरे लगे, हम बता कहे हैं तके कर है बता नहीं, हम कहे हैं नहीं, ऊपर के आ घुसा रहा है, कहे बोलते हैं तोरे के घुसा था, हुआ के आ घुसा रहा था, अपन ढेर के बिटिया छोड़ के अके आ घुसा रहा था तो। अर्चना पटेल और उनकी लड़की के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध है, और दूसरा पक्ष है उनकी भाभी और उनके भतीजे, दोनों पक्षों का आपस में झगड़ा हुआ था छठवें महीने में, और एक दूसरे के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध है, और उसी पर से पुलिस कार्रवाई करने के लिए नोटिस देने गई थी। वीडियो में बताया कि आपत्ति बताया कि वो पुलिस की छेड़छाड़ की है महिला के साथ, नहीं उसमें साथ में महिला आरक्षक भी थे, कोई पुलिस छेड़छाड़ नहीं की है, और 41 की नोटिस
देने के लिए गई थी,